काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम का ये वीडियो डेबिट नोट में जीएसटी के साथ किए जाने वाले कुछ मुख्य ट्रांजैक्शंस के बारे में है। इस वीडियो को हमने तीन पार्ट्स में बनाया है। पहले दो पार्ट्स में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस के बारे में बता चुके हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले उन दोनों भागों को जरूर देख लें। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। ये परिस्थिति है कि जब पहले से निश्चित किसी अवधि में सप्लायर को पेमेंट करने पर कैश डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसके लिए डेबिट नोट कैसे बनाते हैं, इसे भी हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हमने अपने सप्लायर सुधाकर ट्रेडर्स से 1 अगस्त 2021 को 10,000 रुपए प्रति नग के भाव से 5 प्रिंटर्स और 5,000 रुपए प्रति नग के भाव से 5 सोइंग मशीन यानी 5 सिलाई मशीन उधार खरीदी, जिसका बिल नंबर है 10। कुल बिल अमाउंट 87,000 का है। सप्लायर ने माल देते समय हमसे कहा कि यदि आप इस बिल का पेमेंट 31 अगस्त या उससे पहले कर देंगे तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट दूंगा। चलिए पहले इसका परचेस वाउचर बना लेते हैं। हमने 31 अगस्त को सुधाकर ट्रेडर्स को 87,000 का 2% यानी 1740 रुपीस कम करके 85,260 रुपीस नगद दे दिए। तो आइए इस कैश डिस्काउंट की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में कर लेते हैं। यहाँ ध्यान दें, हम परचेस के करीब एक माह बाद पेमेंट कर रहे हैं, पर जैसा कि जीएसटी का नियम है, यदि माल बेचते समय सप्लायर ने कोई कंडीशन रखी थी, जैसे कि वो टारगेट पूरा करने पर इंसेंटिव देगा या निश्चित अवधि में पेमेंट करने पर कैश डिस्काउंट देगा, तो हमें उस छूट पर जीएसटी भी लगाना होगा, यानी छूट की राशि के साथ जीएसटी की भी कैलकुलेशन होगी। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने 87,000 रुपए पर 2% के हिसाब से 1740 रुपए काट तो लिए, पर इसमें जीएसटी कितना है ये भी समझना होगा। ये देखिए, माल का मूल्य 75,000 रुपए है और उस पर 12,000 रुपए टैक्स लगा है। हम माल के मूल्य और टैक्स दोनों का 2-2% अलग निकाल लेते हैं। 75,000 रुपए का 2% हुआ 1,500 रुपए और जीएसटी के 12,000 रुपए का 2% हुआ 240 रुपए। इस 240 रुपए में आधा 120 रुपए सीजीएसटी है और बचा आधा 120 रुपए एसजीएसटी है। अभी तक हमने जितने भी डेबिट नोट बनाए हैं वो आइटम इनवॉइस मोड में बनाए हैं, जिसमें हमने आइटम सेलेक्ट किया था और उसके आगे अमाउंट टाइप कर दिया था। इस बिल में तो दो ही आइटम्स हैं, पर मान लीजिए यदि हमने एक बिल में 20 आइटम्स खरीदे होते तो हमें आइटम इनवॉइस मोड में डिस्काउंट की एंट्री करने के लिए हर आइटम पर अलग अलग 2% से डिस्काउंट निकालना पड़ता और फिर हम उसकी एंट्री कर पाते, जो कि बहुत ही कठिन काम होता। तो इसका हल ये है कि हम ये डेबिट नोट वाउचर आइटम इनवॉइस मोड की जगह अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में बना लें। इससे हमें आइटम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए पहले हम इस वाउचर को अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कर लेते हैं। वाउचर में कितने मोड होते हैं ये हम अपनी परचेस वाउचर वाली वीडियो नंबर 30 में विस्तार से बता चुके हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हम सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे, ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स में सप्लायर का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और यहां पर डेट डालेंगे।
पर्टिकुलर में हमें कैश डिस्काउंट ऑन परचेज का लेजर सिलेक्ट करना होगा जो कि अभी बना हुआ नहीं है, तो पहले हम वो बना लेते हैं। ये भी परचेज अकाउंट ग्रुप के अंडर में बनेगा क्योंकि इस डिस्काउंट का इफेक्ट हमारी परचेज वैल्यू पर पड़ने वाला है। यहां हम 1500 टाइप करेंगे, यहां पर CGST का लेजर सिलेक्ट करेंगे, अमाउंट में 120 टाइप करेंगे। इसी तरह SGST का लेजर सिलेक्ट करके अमाउंट 120 टाइप करेंगे। टाइप ऑफ रेफरेंस में अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है, यहां हम वो बिल नंबर सिलेक्ट करेंगे जिस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है। यहां नरेशन टाइप करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए एक वार्निंग आ रही है, अभी हम इस वार्निंग को अनदेखा करके एंटर प्रेस करके इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। चलिए अब GSTR2 देख लेते हैं। पहले पीरियड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए अभी हमने जो डेबिट नोट की एंट्री की है उसका इस रिपोर्ट में कहीं इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। चलिए वापस वाउचर पर चलते हैं। ये देखिए इस वाउचर में हमने डिस्काउंट और उस पर लगने वाले टैक्स का अमाउंट टाइप तो कर दिया है, पर टैली ये नहीं समझ पा रहा है कि ये टैक्स डिस्काउंट पर किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। इसके लिए हम वाउचर को अल्टर और डी प्रेस करके डिलीट कर देते हैं और फिर से दूसरा वाउचर बना लेते हैं। वाउचर बनाने के पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसके लिए F12 की प्रेस करेंगे। यहां से मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST पर जाना होगा और इस ऑप्शन को यस करना होगा। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए वाउचर बना लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हम सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे। ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स में सप्लायर का ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और यहां पर डेट डालेंगे। पर्टिकुलर में हम कैश डिस्काउंट ऑन परचेस सेलेक्ट कर रहे हैं, यहां हम डिस्काउंट का अमाउंट टाइप करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही एक नई विंडो टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स आ गई है। यदि आपकी स्क्रीन इस तरह की दिखाई पड़ती है तो ठीक है, और यदि इसके स्थान पर इस तरह से दिखाई पड़ रही है तो F12 की प्रेस करें। अब यहां दिखाई पड़ रहे ऑप्शंस में से अलाउ ओवरराइड असेसेबल वैल्यू और ओवरराइड टैक्स रेट को यस करें और इस विंडो को सेव कर लें। यहां क्लासिफिकेशन नेचर में स्पेस बार प्रेस करेंगे और नेचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में से हम जिस तरह की परचेस के अगेंस्ट डेबिट नोट बना रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे यदि हमारी ये परचेस इंटर स्टेट परचेस यानी राज्य के बाहर से की गई खरीद होती तो यहां हम इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट करते। चूंकि हमारी ये परचेस इंट्रा स्टेट परचेस है यानी राज्य के अंदर की गई खरीद है, तो उसके लिए यहां हम परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखें इंट्रा स्टेट परचेस के लिए हमेशा परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट करना होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक कैलकुलेशन समझना होगी। जैसा कि आप बिल में देख रहे हैं माल का मूल्य है 75,000 रुपए और उस पर GST लगा है 12,000 रुपए, तो हमें सभी आइटम्स को मिलाकर एवरेज टैक्स रेट निकालना होगा। इसका फॉर्मूला है टैक्स का एवरेज रेट इज इक्वल टू GST डिवाइडेड बाय माल का मूल्य इंटू 100। यहां पर हमारा GST है 12,000 रुपए, माल का मूल्य है 75,000 रुपए इंटू 100 इज इक्वल टू 16 आ रहा है, मतलब यहां पर टैक्स रेट 16% आ रहा है। इसका कारण ये कि बिल में अलग अलग टैक्स रेट के आइटम्स थे और ये उनके टैक्स का एवरेज है। मान लीजिए यहाँ पर सभी आइटम्स 18% टैक्स रेट के होते तो फिर हमें इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ती, हम सीधे 18% लेकर आगे बढ़ जाते।
हम इंटीग्रेटेड टेक्स्ट में 16 टाइप कर रहे हैं और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब पर्टिकुलर में हम सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर सिलेक्ट करेंगे। देखिए, पहले हमने टैक्स का अमाउंट टाइप किया था और इस बार टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो गया है। यहां हमें सप्लायर का क्रेडिट नोट नंबर और यहां उसकी डेट टाइप करनी है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इन्हें ब्लैंक छोड़ रहे हैं। देखिए, जैसे ही हम इस वाउचर को एक्सेप्ट करने गए, यहां एक छोटी विंडो आ गई है। इसमें तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें हमें एक्सेप्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी बगैर किसी विवाद के स्वीकार करना है, जिसके लिए ओ प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही वाउचर सेव हो गया है। हम वापस GSTR2 में जाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने जो एंट्री सेव की थी उसका इफेक्ट यहां पर दिखाई पड़ रहा है। ध्यान रखें, इसका कोई इफेक्ट स्टॉक समरी पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस एंट्री में कोई आइटम सिलेक्ट नहीं किया था। अभी हमने कैश डिस्काउंट की एंट्री डेबिट नोट वाउचर में कर ली है। अब हम सुधाकर ट्रेडर्स को जो 85,260 रुपए नगद दे रहे हैं, उसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में कर लेंगे। दोस्तों, हमने आपको डेबिट नोट की तीन वीडियोस में कुछ मुख्य ट्रांजेक्शन्स बताए। इसी तरह और भी कई ट्रांजेक्शन्स डेबिट नोट में अपनी जरूरत के अनुसार किए जा सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको क्रेडिट नोट के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।